ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी दिवाली फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण है एक लाइट साउंड का बहुत सुंदर ड्रामा सोई हुई मानवता को जगाने की एक कोशिश। इसमें आप देखेंगे कैसे एक 27 फुट का कुंभकर्ण का मॉडल जो सोया हुआ है, वास्तव में यह मॉडल मनुष्य के अंदर सोई हुई मानवता का प्रतीक है। आज मनुष्य जो है वह तो जागा हुआ है, चांद सितारों तक पहुंच गया है, समुद्र की गहराई को टच कर रहा है, आसमान को छूने का प्रयास कर रहा है, पर कितने अफसोस की बात है कि अंदर से उसकी ज्योत बुझी हुई है, अंदर की उसकी चेतना सोई हुई है। तो ब्रह्मा कुमारी की ओर से अंदर की चेतना जगाने का यह प्रयास इस ड्रामा के द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है सोई हुई मानवता को जगाने की एक कोशिश। ओम शांति। जागो कुंभकर्ण जागो स्टॉल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देखेंगे कि कुंभकर्ण को उठाने की दैवी शक्तियां बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन रावण का भाई कुंभकर्ण अभी तक नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण सोई हुई मानवता, सोई हुई इंसानियत और बुझी हुई आत्मज्योति का यादगार है। ज्ञान के अनेक राज मिलने पर भी वो नहीं उठ रहा। तो पेश है आप सबके सामने ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सोई हुई मानवता को जगाने की एक कोशिश। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। नारायण नारायण, यह कौन सोया हुआ है? ओहो, यह तो मानव के अंतर आत्मा की चेतना है। नारायण नारायण। प्रिय भाइयों और बहनों, मानव तो जगा हुआ है, लेकिन उसकी मानवता सोई हुई है। आइए इसकी सोई हुई चेतना
इसके विपरीत हिंसक बन गए हो। तुमने अहिंसा को छोड़ हिंसा का मार्ग अपना लिया है। अब तो जागो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। जागो पार्थ, जागो। यह अंधकार में, अज्ञानता में सोने का वक्त नहीं। जागो, उठो और सत्य धर्म का मार्ग अपनाओ। नारायण नारायण, यह तो गहरी नींद में सोया हुआ है। लगता है ये बहुत गहरे अंधकार में है। अब क्या होगा इसका? नारायण नारायण, अब तो नवरात्रि आ रहे हैं। अब तो आदि शक्ति मां दुर्गा ही इसे जगा सकती है। आदि शक्ति मां दुर्गा, आइए आदि शक्ति का आह्वान करें। हस्ती का दर्शन करेंगे, माँ शक्ति का दर्शन करेंगे, माँ शक्ति का दर्शन करेंगे। हे मानव, उठो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तो हूँ ही असुरों का नाश करने वाली, लेकिन आज तुम स्वयं ही असुर व राक्षस बन गए हो। आज बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जन्म से पहले ही बेटियों की हत्या हो रही है। यह देखकर भी तुम आंखें बंद करके सोए हुए हो? क्या तुम्हारी अंतरात्मा मर चुकी है? हे मानव, अपने अंदर बैठे शैतान को मारो। उठो, जागो मानव, जागो। नारायण नारायण, लगता है यह तो गहरी नींद में बेहोश हो चुका है। मां दुर्गा आदि शक्ति से भी ये जागृत नहीं हुआ। अब कौन जगाएगा इसे? हाँ, अब तो राम नवमी आ रही है। अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं श्री राम ही इसकी ज्योति जगाएंगे। नारायण नारायण। तो आओ आओ, हम सभी श्री राम का आह्वान करें। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। हे मानव, उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। देखो, मैंने तो पिता की आज्ञा का पालन करके राजपाट को भी ठुकरा दिया, लेकिन तुम इस जमीन जायदाद वह धन संपत्ति के पीछे अपने परिवार, माँ बाप व भाइयों का खून बहाते हो। झूठी माया के पीछे
तुम पल पल छल कपट कर रहे हो। तुमने झूठ, चोरी, ठगी व विश्वासघात को अपना आधार बना लिया है। अभी भी समय है मानव, जागो, उठो, अपने अंदर छिपे हुए रावण को मारो। उठो, अपनी सोई हुई चेतना को जगाओ। सोचो, तुम अपने साथ क्या ले जाओगे। उठो मानव, जागो। जय रघुनंदन जय सियाराम। नारायण नारायण, यह क्या, यह तो उठ ही नहीं रहा। अच्छा, समझ गया, यह तो माँ लक्ष्मी से उठेगा, दिवाली की जगमगाहट से उठेगा, धन की देवी माँ लक्ष्मी के सिक्कों की खनखनाहट से उठेगा। नारायण 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 नारायण। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। हे मानव, उठो, जागो। तुम घर घर की सफाई करके लाइटें जलाकर मेरा आह्वान करते हो, क्या तुमने सोचा है तुम्हारी अंतर आत्मा कितनी मैली हो गई है? तुम्हारे मन में अवगुणों के कितने जाले लगे हुए हैं? तुमने मुझे सिर्फ धन की देवी समझा है, लेकिन वास्तव में मैं सद लक्षणों की देवी हूँ। सद्गुण ही तुम्हारा सच्चा धन है, जो जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहता है। धन के पीछे तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतर आत्मा हैवान बन गई है। अब उठो, अपने को इस अज्ञानता की घोर नींद से जगाओ। उठो मानव, जब जागे तब सवेरा। उठो। नारायण नारायण, यह तो उठ ही नहीं रहा, इसकी अंतर आत्मा तो जाग ही नहीं रही। अब समझा, अंतर आत्मा को जगाने के लिए तो परम शक्ति निराकार महाज्योति परमात्मा शिव को ही इस धरा पर अवतरित होना पड़ेगा। आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, और आकर मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगाओ। आओ प्रभु, और इस मानव की सोई हुई अंतर आत्मा को जगाओ। मानव की सोई हुई अंतर आत्मा को जगाओ प्रभु, जगाओ। किसने मुझे जगाया?
निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। हे मेरे मीठे मीठे प्यारे बच्चे, तुम्हें अज्ञानता की नींद से जगाने, तुम्हारी तीसरी आंख खोलने अर्थात तुम्हारी आत्मा की ज्योति जगाने के लिए मैं निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर आया हूं। याद करो, तुम देह नहीं किंतु ज्योति स्वरूप शुद्ध आत्मा हो, और ये आसुरी अवगुण विकार व कमजोरियां तुम्हारी अपनी नहीं है, किंतु तुम अपने सत्य स्वरूप को भूलकर इनके वश हो गए हो। अब समय हो गया है, जागो। तुम्हारे अंदर तो प्रेम शांति आनंद व शक्तियां विद्यमान हैं। उठो, मैं देवताओं धर्म पिताओं और महात्माओं का भी पिता तुमसे मिलने आया हूं। मुझसे योग लगाकर तुम संपूर्ण सुख शांति व संपत्ति का वर्षा पालो। ओहो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम ने आकर मुझे जगाया है। मैं कितना न भाग्यवान हूं। अब मेरी आत्मा की ज्योति जग चुकी है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने तो अपनी आत्मा का दीपक जगा लिया है। आप भी अपनी आत्मा का दीपक जगाइए और सच्ची सच्ची दीपावली मनाइए। अपने जीवन में खुशियों की बहार लाइए। धन्यवाद। ओम शांति।